सब्सक्राइब कीजिए टेक रिक्वायर्ड चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक रिक्वायर्ड। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि हम लोग जब स्मार्टफोन लेते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम जब स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में उठ जाते हैं कि वो स्मार्टफोन की प्राइस क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी, उसका डिस्प्ले कैसा होगा, उसमें रैम कितने जीबी का होगा, उसमें इंटरनल स्टोरेज कितनी जीबी की होगी, वो कौन से ब्रांडिंग से होगा, उसमें प्रोसेसर कैसा होगा, उसकी बैटरी कितने एमएच की होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठ जाते हैं। तो मैं आज के एपिसोड में यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर मायने रखते हैं स्मार्टफोन की प्राइस। तो हम लोगों को क्या करना है स्मार्टफोन की प्राइस का कंपैरिजन करने के लिए, हमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे जाना है, वहाँ स्मार्टफोन की प्राइस क्या है देखनी है, और बहुत सारी वेबसाइट्स है इंटरनेट पे, वहाँ स्मार्टफोन की प्राइस का कंपैरिजन किया जाता है। वहाँ जाके हम लोग प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं और हमें किस बजट में फ़ोन लेना है वो तय कर सकते हैं। स्मार्टफोन जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि वो स्मार्टफोन दिखने में कैसा होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं हम लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमारे लोकल एरिया में, हमारे शहर में जितनी भी मोबाइल फोन्स की स्टोर्स हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं, वहाँ पर हमें विजिट करना है। क्योंकि कुछ ऐसे स्टोर्स हैं, कुछ ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पर हमें फ़ोन हाथ में लेने को मिलता है। विजय सेल्स, क्रोमा जैसे आउटलेट्स हैं, वहाँ फ़ोन हमें हाथ में लेने को मिलता है। वहाँ जाके हम लोग देख सकते हैं कि फ़ोन का साइज़ क्या है, फ़ोन दिखता कैसे है, और फिर तय करेगी फ़ोन कौन सा लेना है। अब यहाँ पर बात करेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। अगर हम लोग स्मार्टफोन ले रहे हैं तो हाल में जो ट्रेंड चालू है उस ट्रेंड के हिसाब से हमें स्मार्टफोन लेना है। पहले जो स्मार्टफोन आते थे वो 16:9 रेशो वाले आते थे, अब नए स्मार्टफोन जो आ रहे हैं वो 18:9 रेशो वाले स्मार्टफोन आ रहे हैं। तो हमें 18:9 रेशो वाला ही स्मार्टफोन लेना है, हो सके तो उसमें अगर सुपर एमोलेड स्क्रीन हो तो बेहतर, नहीं तो आईपीएस डिस्प्ले से भी हमारा काम चल सकता है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों, स्मार्टफोन में प्रोसेसर सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर हम लोग मोबाइल में हेवी गेम्स खेल रहे हैं तो हमें वहां पर जिस प्रोसेसर में ज्यादा कोर्स है वही प्रोसेसर हम लोगों को चॉइस करना है। आजकल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है जो बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके बाद बात करते हैं फोन के रैम की। अब रैम हमारे फोन में जितना पावरफुल उतना हमारा फोन अच्छा चल सकता है। अगर कोई कंपनी, कोई स्मार्टफोन की कंपनी अगर आप लोगों को 2 GB का रैम देती है तो हमें 2 GB का रैम कभी नहीं मिलता है, वहां पर हमें 1200 MB का रैम मिलता है। तो हमें जब भी स्मार्टफोन लेना है कम से कम 3 GB से आगे ही हमें स्मार्टफोन खरीदना है। तो स्मार्टफोन लेते वक्त रैम बहुत जरूरी है, हमें रैम कितने जीबी का है ये देखकर हमें वहां स्मार्टफोन लेना है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन में जो बैटरी आती है उस बैटरी की। साथियों, स्मार्टफोन की बैटरी भी उस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। अगर आप लोग स्मार्टफोन हेवी यूज करते हो तो आपको ज्यादा बैटरी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो ठीक है, लेकिन आप अगर दिन भर इंटरनेट पे एक्टिव हो रहते हो, अगर आप लोग दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, हमें ज्यादा एमएच वाली बैटरी चाहिए। कम से कम 4000 mAh वाली बैटरी अगर हमें स्मार्टफोन में मिलती है तो वो सबसे बड़ी बेहतर बैटरी हो सकती है। बैटरी के साथ साथ आजकल जो स्मार्टफोन में नया फीचर आ रहा है वो है क्विक चार्जिंग का। अगर हम कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग दिया है दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हम जब पहले मोबाइल लेते थे उसकी बैटरियां चार्ज करने में हमें 4-5-6 घंटे लगते थे, लेकिन आज
फास्ट चार्जिंग का जमाना है। फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के जरिए एक या दो घंटे में, डेढ़ घंटे में हम लोग हमारे फोन की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्मार्टफोन का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर, स्मार्टफोन का कैमरा। सबसे ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा अच्छा हो ऐसा कभी नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि स्मार्टफोन का कैमरा जो काम करता है वो काम करता है उसके अंदर जो सेंसर होता है और उसकी लेंस। हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसकी लेंस और उसका सेंसर कितना पावरफुल है। चाइनीज फोन जो आते थे उसमें लिखा हुआ होता था कि ये 15 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन दोस्तों कभी होता नहीं था। हम लोग जब उसे चेक करते थे 2 या 3 मेगापिक्सल का कैमरा निकलता था। तो हम लोगों को देखना है, हम लोगों को मेगापिक्सल पे नहीं जाना है, हम लोगों को ये चेक करना है कि उसमें कितना पावरफुल कैमरा सेंसर दिया गया है और उसकी लेंस कितनी बढ़िया है। कैमरा की बात करते हैं तो आजकल मोबाइल मार्केट में, स्मार्टफोन मार्केट में बहुत सारे ड्यूअल कैमराज वाले फोन आए हैं। अगर ड्यूअल कैमरा वाला फोन अगर हमें मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बात बन सकती है, अदरवाइज सिंगल कैमरे से भी हमारा काम चल सकता है। स्मार्टफोन खरीदते वक्त हम लोगों को उस स्मार्टफोन की रिव्यूज देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर रिव्यूज देखना है तो आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में जा सकते हैं। वहां जो स्मार्टफोन यूजर फोन लेते हैं वहां पर ट्रू ओपिनियन छोड़ते हैं, तो आप लोगों को वहां जाके उस स्मार्टफोन का रिव्यू चेक करना है, उसमें पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, हमें बहुत जल्द पता लग जाएगा। जब हम स्मार्टफोन लेते हैं दोस्तों तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि फोन लेने के बाद क्या इसकी सर्विस हमें मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ऐसे स्मार्टफोन कंपनी से हमें दूर ही रहना है। भले ही वो स्मार्टफोन हमें सस्ते में मिले, लेकिन वो स्मार्टफोन हमें कभी नहीं लेना है जहां पर हमें सर्विस का प्रॉब्लम हो। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सैमसंग का फोन अगर हमने लिया, उनके स्मार्टफोन भले ही महंगे हो लेकिन हमें उनकी सर्विस बहुत अच्छा मिलती है। तो हमें यहां पर देखना है कि आफ्टर सेल सर्विस हमें कौन अच्छा देता है, और दूसरी बात उस स्मार्टफोन का सर्विस सेंटर हमारे एरिया में होना चाहिए। आजकल की बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देती हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर हमारे जेब में से फोन गिर जाता है तो हमारा फोन का डिस्प्ले पूरा के पूरा फूट जाता है, पूरा के पूरा टूट जाता है। तो अगर हम जो स्मार्टफोन ले रहे हैं अगर उसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास हो तो बहुत बढ़िया हो सकता है दोस्तों। साथियों, अगर आप लोग स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हाइब्रिड सिम स्लॉट प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप लोग ड्यूअल सिम के साथ अगर स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड रखते हो तो आपको कभी भी हाइब्रिड सिम स्लॉट वाला फोन नहीं लेना है। आपको ड्यूअल सिम के साथ उसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट होना बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन हमें वही लेना है जो हमें उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट देते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां स्मार्टफोन तो देती हैं लेकिन उसमें जो एंड्रॉयड के अपडेट आते हैं वो बहुत स्लो आ जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि उनके उस स्मार्टफोन की पिछली हिस्ट्री हम लोगों को चेक करनी है कि वो कंपनी, वो स्मार्टफोन कंपनी अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स अगर देती है बहुत जल्द, ऐसे ही स्मार्टफोन हमें लेना है। साथियों, हम लोग जब स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें हमें कुछ बोनस चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि ओटीजी सपोर्ट हमारे स्मार्टफोन को करता है या नहीं करता है ये फोन लेते वक्त हमें चेक करना है, क्योंकि ओटीजी सपोर्ट आजकल हर फोन में आता है। इसलिए ये बोनस चीज़ें, फिंगरप्रिंट सेंसर है या नहीं ये भी हम लोगों को चेक करना है। स्मार्टफोन लेते हो दोस्तों तो आप लोग अगर स्मार्टफोन के जानकार हो तो आप लोगों को उसमें कौन से सेंसर्स हैं ये भी देखना है। आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसा कर रही हैं कि बहुत सारे सेंसर्स मिसिंग कर रही है। सैमसंग जैसी कंपनी भी आजकल बहुत सारे सेंसर्स ड्रॉप कर रही है। तो आप लोगों को जो सेंसर जरूरी है वो सेंसर अपने स्मार्टफोन में होना
बहुत जरूरी है दोस्तों, तो आप लोग इंटरनेट पे जाके सेंसर की जानकारी ले सकते हो और सेंसर के बारे में वहां से मालूमात ले सकते हो। अगर हमको जो सेंसर चाहिए वो सेंसर अगर उस स्मार्टफोन में नहीं है तो हम लोगों को कतई वो स्मार्टफोन नहीं लेना है। तो दोस्तों, मेरे पास जितनी भी जानकारियां थी वो सब जानकारियां मैंने आप लोगों को शेयर की हैं। अगर आप लोग अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप लोगों को मैंने जो आज यहाँ पर जो बातें बताई हैं वो सब बातों को आप लोगों को फॉलो करना है, नहीं तो फ़ोन लेने के बाद आप लोग नाराज़ हो जाओगे कि जो मैं चाहता था वो फोन मुझे मिला नहीं। तो साथियों, खुश रहे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।